हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे एंड मम्मी पापा गए हुए हैं राजस्थान शादी अटेंड करने के लिए एंड हमारी मेड भी आज छुट्टी पे है। सो अनफॉर्चुनेटली जो भी काम है मुझे ही करना है, तो मैंने बाकी सारे काम कर लिए बट अभी बस खाना बनाना बाकी और थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए हैं वो करने हैं। सो बर्तन तो थोड़े हैं, वो हम खाना खाने के बाद कर लेंगे। पहले हम करते हैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग, लाइक गैस वगैरह को थोड़ा क्लीन करते हैं एंड फिर हम खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ सिर्फ दाल राइस बना लूँ। एक्चुअली हम बाहर से भी मंगा सकते थे बट मैं दो दिन से बाहर का ही खा रही हूँ, मैं पक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आज घर पे कुछ बना लेते हैं। सो यस, अभी तो मैं सिर्फ दाल राइस बना रही हूँ एंड देखते हैं उसके साथ और क्या खाएंगे। वैसे हम दाल राइस खाने वाले लोग नहीं है, हमें चपाती या मतलब रोटी चाहिए रहती है, बट ठीक है चला लेंगे काम, कुछ हेल्दी खा लेंगे, सैलेड वगैरह ले लेंगे साइड में। एंड यस, तो फटाफट से क्लीनिंग करते हैं और फिर बनाते हैं दाल राइस। एंड दाल राइस बहुत ही इजी है बनाना गाइस, अगर आप लोग अकेले रहते हो तो आप लोग भी बना सकते हो मेरी रेसिपी देख के, बहुत इजी है। 20 मिनट में आपका दोनों चीज़ बन जाना चाहिए, इतना इजी है, सोचो। तो लेट्स गो, क्लीनिंग करते हैं फटाफट से एंड देन फिर हम बनाते हैं खाना। चावल बनने को रख दिए है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है लिटरली, मतलब जो किचन में काम करता है उसको पता होगा मुंबई में इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता। बस अभी हम थोड़े से बर्तन को साफ़ कर लेते हैं, तब तक कुकर की सीटी भी लग जाएगी एंड हमारी दाल राइस भी बनकर रेडी हो जाएंगी, फिर हम आराम से बैठ के इंजॉय करेंगे खाना एंड फिर हमारे पास कुछ काम नहीं होगा तो हम थोड़ी देर और सो जाएंगे। तो ये थोड़े बर्तन रखे हैं, इसको क्लीन करते हैं, बाकी हमारा खाना वहाँ पे बन रहा है एंड इसको क्लीन करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके,